मुसलमान जिस्म का सौदा कर सकता है, ईमान और दिल का सौदा नहीं कर सकता। और अगर आप हमारा दिल तलाश करना ही चाहें कि कहाँ है, तो ये कहीं मदीना मुनव्वरा दहलीज रसूल पे जाके मिलेगा। ये जिस्म पर वारद हो तकलीफ तो बर्दाश्त कर लेंगे, जिस्म पर मुसीबत आए तो सब्र कर लेंगे, जिस्म को दुख दर्द से दो चार होना पड़ा तो हम सब्र का बंद नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दिल पर चोट पड़ी, जानते हो मैं किस दिल की बात करता हूँ? जो दिल नशेमन रसूल करीम है, जिस दिल में हबीब किबरिया का मकाम है, उस दिल पर चोट पड़ेगी तो मोमिन मरते मरते भी पकार उठेगा और कभी तस्लीम नहीं करेगा। सलमान, कौम के जिस्म से तुम लड़ रहे हो, शायद दिल की बाजी भी आने वाली है। और तुमने मुसलमानों का दिल छेड़ा, तुमने ईमान छेड़ा, तुमने मोमिन की गैरत पर हमला किया। मोमिन जब गैरत पर हमला होता हुआ देखे तो समंदर का वो थमने वाला तूफान है जो तमाम कायनात को अपनी लपेट में ले लेता है। मुसलमान किसी की तोहीन का मंसूबा बंदी नहीं करता, ये इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमान जिंदगी का तहफ्फुज़ फराहम करता है, ये किसी को मारने का मंसूबा नहीं बनाता। मगर इस्लाम पर हर्फ आए, बानी इस्लाम पर हर्फ आए, मारे या ना मारे, लेकिन मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब मरकज पर चोट पड़े तो सब कुछ खत्म करके हम एक ही नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का मौका गवाही दे रहा है। निज़ाम मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कट मरने का हौसला ना हो तो जिंदा रहते हुए भी मर गए हम, और उनके नाम पर मर गए तो गोया मरे हुए भी जिंदा जावेद हैं हम। वो जुमला मैं फिर उन्हीं के नाम से दोहराता हूँ कि हजरत जिंदगी जावेद के लिए हमें मर के फिर उठना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादस खुदा बुजुर्ग, उन्हीं की ज़ाते गिरामी, उन पर जो हमला आपने किया, तो जैसे अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने फरमाया कि उनकी शान में तो कमी नहीं आती, लेकिन 2 अरब मुसलमानों के दिल जख्मी हो गए हैं, मुसलमानों के दिल खून चका है, मुसलमानों के रूह पज मुर्दा हैं, मुसलमानों की जिंदगी अफसुर्दा हो गई है। असर नो इश्के रसूल के जज्बे के साथ एक नई जिंदगी लेनी है और अक्वाम आलम को बताना है कि जो नाम मिटे ना मिट सके, जो मिटाए ना मिटे, उसको मिटा के तुम खुद मिट जाओगे। नबी अकरम की शान में गुस्ताख हो गुस्ताखी करोगे, हम करें या कुछ ना करें, रब्बुल आलमीन इंतकाम लेने में कभी तामुल नहीं फरमाएगा। आप अवाम के दरवाजों पर क्यों दस्तक दे रहा हूं, आपके दिलों पर क्यों दस्तक दे रहा हूं कि अगर हम इस वक्त न जागे तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून हमें माफ ना करे। हमें अब जागना होगा और नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर जिंदा रहना होगा। मरना तो सबको है यार, मरना ही है ना, तो मरो भी नामे खुदा पर और नामे मुस्तफा पर।